Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Student, आज हम डिस्कस करेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, जो बेसिकली हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में है. तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, जो एक सॉल्ट तो नहीं है लेकिन ये एक बेस है. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. मतलब आप कास्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो, ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na, विच इज़ कॉल्ड सोडियम, OH दैट इज़ हाइड्रोक्साइड. तो आप देखो स्टूडेंट, Na क्या है? एक सोडियम है. सोडियम क्या है? मेटल है, है ना? तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये एक बेस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. कास्टिक सोडा इज़ नॉट अ सॉल्ट, इट इज़ अ बेस. एंड विच बेस? दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या स्टूडेंट? ये एल्केली है. एल्केली हम किसे कहते हैं? वैसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसे एल्केली बोलते हैं. इसलिए स्टूडेंट, कास्टिक सोडा एक वाटर सॉल्यूबल एल्केली स्ट्रॉन्ग बेस है. इट इज़ नॉट अ सॉल्ट. सी, अब ये बेस है, है ना, तो इसके पास प्रॉपर्टी होगी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड को जो कैंसिल आउट कर दे. तो ये कितने एसिड को कैंसिल आउट करेगा स्टूडेंट? एक एसिड को कैंसिल आउट करेगा. इसलिए यहाँ पर है स्टूडेंट मोनो. मोनो मतलब सिंगल एसिडिक बेस. ये एक बेस एक एसिड को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट कास्टिक सोडा जो है हमारा, ये सिर्फ एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स रिलीज करेगा, इसलिए वो सिर्फ एक H प्लस आयन को कैंसिल करेगा. मतलब वो सिर्फ एक एसिड को कैंसिल करेगा, क्योंकि बेस की तो प्रॉपर्टी ही होती है ना एसिड को न्यूट्रलाइज करना, कैंसिल आउट करना. तो जितना बेस खुद में से जितना ज़्यादा OH माइनस निकालेगा, वो उतना एसिड को कैंसिल करेगा. इसलिए ये कास्टिक सोडा सिर्फ एक ही OH को निकालता है, इसलिए सिर्फ एक एसिड को कैंसिल आउट करेगा. सी स्टूडेंट, मैंने बोला मेटल हाइड्रोक्साइड, अब बोलो, है ना, मेटल में कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम क्या? एक मेटल है. हाइड्रोक्साइड OH आ गया, मतलब बेस है, है ना? तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कास्टिक सोडा एक बेस है या वाटर सॉल्युबल है. आप तो बस इसके केमिकल नेम से ही समझ लो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. तो केमिकल नेम ही बता रहा है स्टूडेंट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. सोडियम क्या है? मेटल है, है ना, और हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. तो आप बेस बोलो या मेटल हाइड्रोक्साइड बोलो, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो मैं बेस की वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी. आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लेना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में. तो स्टूडेंट देखो, जिस मेथड से कास्टिक सोडा प्रिपेयर होता है, उस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. इसको चोर मत पढ़ लेना, ठीक है? क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा किस मेथड से, किस प्रोसेस से ये मैन्युफैक्चर होता है. तो आपका आंसर होगा क्लोर अल्कली मेथड. अब इसका नाम ऐसा क्यों क्लोर अल्कली मेथड, आपको वीडियो में जानने को मिलेगा. बस वीडियो में बने रहें. सी स्टूडेंट, चलिए इनकी यूजेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इनके मैन्युफैक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. तो यूजेस क्या है स्टूडेंट कास्टिक सोडा, है ना, सोप में या डिटर्जेंट में ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. पेपर जो बनते हैं इंडस्ट्री में, उसमें भी कास्टिक सोडा का यूज़ होता है. ये डाइज में भी यूज़ होता है, ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है. ये आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, जिसे हम रेयन कहते हैं. रेयन क्या है? ये एक आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर है. आपने क्लास 8 में स्टडी किया होगा साइंस में, फाइबर्स एंड फैब्रिक में, उसमें आपने पढ़ा होगा ना आर्टिफिशियल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स. तो स्टूडेंट, ये कास्टिक सोडा इस आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे हम रेयन कहते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है. और आप जितने भी सोप देखो, डिटर्जेंट देखो, सब में ये कास्टिक सोडा यूज़ होते हैं. एक और देख लीजिए स्टूडेंट, इसका कास्टिक सोडा का यूज़ क्या है. ये एक्चुअली इट इज़ यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर फ्रॉम विच एलुमिनियम मेटल एक्सट्रैक्टेड. ये बॉक्साइड ओर, अब ये ओर क्या होता है, ये आप थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये स्टूडेंट बॉक्साइड ओर को प्यूरिफाई करता है, जिससे आपका एलुमिनियम मेटल निकलता है. तो स्टूडेंट, जो मेटल हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है, करेक्ट,
तो इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में ये कास्टिक सोडा बहुत यूज़फुल होता है। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन कैसे होती है, मतलब इसे हम मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे करते हैं। तो देख लो स्टूडेंट, ये जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्केली मेथड, ठीक है। ये क्लोर एल्केली मेथड क्यों कहा गया, क्लोर मतलब क्लोरीन होता है स्टूडेंट, एल्केली है ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है ना कास्टिक सोडा का, तो क्लोर मतलब क्लोरीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, बता चुकी है कौन सा बेस, ये एक अल्कली बेस है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि वैसा बेस जो पानी में घुल जाता है हम उसे बोलते हैं अल्कली, इसलिए इसका नाम है क्लोर एल्कली। सी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करना है ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कास्टिक सोडा है। तो हम इसे कैसे ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, हम करते क्या है, नमक जानते हो ना आप, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं, उसमें आप पानी में उस नमक को डाल दो, ठीक है, उसका घोल बना लिया, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दो, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड, और हमें हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। मतलब स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हो नमक के पानी के सोल्यूशन में तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो स्टूडेंट सिर्फ हमें सोडियम क्लोराइड ही नहीं मिलेगा साथ में, सॉरी सिर्फ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं मिलेगा साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट मिलेंगे, वो मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आप इतना जान लो कास्टिक सोडा जो बनता है वो कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप नमक में पानी डाल लो उसका सोल्यूशन बना लो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दो, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, करेक्ट, उसने पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है ना, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उस रिएक्शन को हमको ब्रेकडाउन करना है, डीकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो ये पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्लोरीन मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं डिस्कस करूँगी कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, आप बस यहाँ पर देख लें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली, और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, बता चुकी हूँ NaCl सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो आपको कास्टिक सोडा मिल जाएगा, सो सिंपल। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होता है उसे बोलते हैं क्लोर एल्कली। आप देखो स्टूडेंट नमक के पानी के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो आपको कास्टिक सोडा मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सी स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, इसमें आप पानी डाल दो H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा दो, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा कास्टिक सोडा है, साथ में क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिला ना, शायद इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली मेथड। एल्कली क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस है जो पानी में सॉल्युबल हो सकता है, इसलिए इसे एल्कली बोलते हैं, और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सी मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट अपने फर्स्ट चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टडी किया है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा व्यू दूंगी। सी इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस अगर किसी भी वर्ड के पीछे लाइसिस लग जाए मतलब सफिक्स लग जाए उसका होता है स्टूडेंट ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, ब्रेकडाउन हो गया किसका, नमक के पानी का सॉल्यूशन, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। मतलब ये समझ लो आप कास्टिक सोडा
जिस मेथड से प्रिपेयर होता है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेथड से प्रिपेयर होता है, करेक्ट है ना। सी होता क्या है, एक जार में आप नमक और पानी का सोल्यूशन ले लो, ले लिया, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराओगे स्टूडेंट, तो ये जो पॉजिटिव आयन्स है ना सोडियम, ये नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हम उसे बोलते हैं कैथोड, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, है ना। सी नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, पानी में जाओ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगा तो ये सोडियम अलग हो जाएगा और ये क्लोरीन अलग हो जाएगा और पानी में ही ये फ्लोट करते रहेंगे, है ना। तो ये जो कैथोड रे है जिस पे नेगेटिव टर्मिनल है उस पे पॉजिटिव आयन्स आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो नेगेटिव आयन है जो क्लोरीन है वो एनोड पर जाकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट पानी का भी तो होगा ना H2O होगा ना, देख लो इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। तो ये H प्लस है तो ये पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। तो जितने भी पॉजिटिव आयन्स हैं जो Na हैं और H प्लस हैं ये कैथोड की तरफ भागेंगे, और जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं जैसे OH माइनस हो गए Cl माइनस हो गए ये एनोड की तरफ भागेंगे, ओके। और यहाँ से देखो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है ना, तो हमें क्लोरीन गैस मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ओके। सी वाटर का आयन्स H2O, H प्लस OH माइनस, ये क्या है वाटर के आयन्स है। सॉल्ट के आयन्स Na प्लस Cl माइनस हो गया ना। अब इनकी जो प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट ये आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे, ये आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर शॉर्ट व्यू आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, हिट द बेल आइकन। गॉड ब्लेस यू ऑल।